इस आधुनिकता के युग में हम सब इतने व्यस्त होते चले गए कि समय कब पार हो जाता है इसका कुछ पता ही नहीं चलता। योजना तो हम हजारों बना लेते हैं, लेकिन जब फॉलो करने की बात आए तो हमारा मन टालने लगता है, कल से करेंगे। कल जब स्टार्ट करने बैठो, मन फिर से कहता है कल से करेंगे। यदि आपके साथ भी ऐसा घटित हो रहा है, आप संभल जाओ मेरे भाई, कल कभी भी आता नहीं। इस साल तो बर्बाद कर दिए ही हो। अगर चाहते हो आने वाले नव वर्ष में आपके लिए सब अच्छा हो, तो आने वाले दिनों में कुछ ऐसा करना होगा जो पहले आपने कभी नहीं की। नहीं तो जिस तरह यह साल बीत गया, वैसे ही आने वाले साल भी कब पार हो जाएगा कुछ पता ही नहीं चलेगा। यदि आपको लगता है समय तेजी से पार हो जा रहा, तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन में असल तकलीफें आई नहीं है। बुरे वक्त जब कभी किसी के जीवन में आता है, तनिक तनिक सा दिन पार होता। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे मेरा लाइफ तो बढ़िया है, मस्त चल रहा, सब तो घर वालों से मिल ही जाता है, मुझे क्या जरूरत है इतने टेंशन लेने की। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे सोचने वाले लोग संभवतः बहुत कम होंगे। अधिकतर लोग अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, परंतु उसे एक सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, जिसके कारण अधिकतर लोग अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं। लेकिन जो भी लोग ऐसे सोचते हैं कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, एक बात याद रखना, एक दिन आप भी माता या पिता बनेंगे, आप पर भी ये सारी जिम्मेदारी आएगा जो आज आपके माता पिता निभा रहे हैं। क्या आप ये सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ तो कैसे, और यदि ना तो क्यों नहीं आप तैयार हो? आपका नैतिकता बनता है अपने घर परिवार को सुरक्षित रखना, उन्हें संभालना, उन्हें खुशी देना। आप यदि सफल हो जाते हैं अपने जीवन में, लोग मुफ्त में मिल जाते हैं आपके प्रसन्नता करने में, वो मेरा भाई है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा गांव का है, इत्यादि इत्यादि बातें सुनने को। आपके प्रसन्नता सुन के देख के आपके माता पिता का आयु बढ़ जाएगा, वे स्वस्थ रहेंगे क्योंकि उन्हें अंदर से खुशी मिलेगा। अधिकतर माता पिता अपने बच्चों का भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, और उनके चिंतित रहने के कारण उनके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। यदि आप अपने जीवन सफल नहीं होते हैं, तो आपको अपनी प्रसन्नता करने के लिए लोगों को खिलाना पिलाना पड़ेगा, उनकी मदद करना होगा। यदि आप ये सभी चीजें करते हैं, तो लोग आपकी प्रसन्नता करेंगे। इस तरह आप पैसे खर्चा करके कितने दिनों तक अपनी प्रसन्नता सुन सकेंगे? इसलिए आप सिर्फ अपने कार्यों पर जोर दे, आप जब सफलता की सीढ़ी चढ़ जाओगे, लोग ऐसे ही प्रसन्नता करने वाले मिल जाएंगे। आज मैं आप सभी से ऐसे ही कुछ जानकारी साझा करने जा रहा हूं जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। सबसे पहले एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाए और इसे आप ही नियंत्रण करें। अपने विचारों से उस एनवायरनमेंट को सदैव प्रभावित रखें। जो भी आपके साथी या मित्र आपके साथ आना चाह रहा और वो भी अपने जीवन में कुछ करना चाह रहा है, उसे अपने एनवायरनमेंट में आने दे, साथ मिलकर काम करे, एक दूसरे से जानकारी साझा करे। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। ये परिवर्तन आपके जीवन में एक अवसर पैदा करेगा और आपको अपनी सफलता में एक महत्वपूर्ण अदा निभाएगा। मैं चाहता तो आपको एक अच्छे संगत में रहने का सलाह देता, पर कोई अच्छा संगत वाले लोग आपको अपने साथ क्यों रखेगा? ये बहुत मतलबी दुनिया है, यहाँ सबको अच्छे लोग चाहिए। संभवत लोग अपने संगत में लाने से हिचकिचाते हैं, उनके अंदर में आपके लिए अच्छे भावना नहीं है। वे सोचते हैं यदि आप उनके संगत में आ जाओगे तो उनका संगत खराब हो जाएगा, इसलिए उन्हें भला बुरा कहने से अच्छा है कि आप अपने जैसे लोगों का संगत खुद ही बना लीजिए और उसका नेतृत्व स्वयं करे। दूसरी बात, परिश्रम प्रतिदिन आप करते जाए, कब सफलता मिलेगी, मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरे से कम मेहनत करने वालों का सफलता मिल गया है, मेरा किस्मत ही खराब है, ऐसे विचारों को अपने अंदर प्रवेश नहीं होने दे। किसी को तुरंत भले मिल जाए, लेकिन आप जब सफल हो जाएंगे उस सफलता का आनंद आप ज्यादा उठा पाएंगे, क्योंकि अपने असफलताओं को देखा है, उसे महसूस किया है। आप एक हीरा के समान हो, इसलिए आपको अधिक तपना होगा।
जिन्हें जल्दी सफलता मिल जाता है वे लोग सोना है, इसलिए उन्हें कम तपना पड़ा। यदि आप ऐसे विचारों को अपने अंदर परिवेश होने दे, मुझे यकीन है आपके मेहनत में ऊर्जा डाल देगा। यदि आप ये सोचेंगे कि उसका किस्मत है उन्हें जल्दी मिल गया सफलता, संभवत आपके मेहनत करने की तीव्रता को कम कर देगा। अपने धैर्य को बना के रखे, अपने धैर्य को कभी भी डगमगाने नहीं देना है। तीसरी बात जो अति महत्वपूर्ण है, आपको उन लोगों से बचना है जो आपको अपने लक्ष्य से भटकाव कराते हैं। इन भटकाव कराने में भी हो सकता हो, अगर आपको हमारा वीडियो देखने के बाद यदि लगता हो मेरा समय और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद हुआ है और मुझे कुछ नहीं मिला, मिला भी तो सिर्फ भटकाव, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को स्किप करके चले जाएं। मैं नहीं चाहता हूँ किसी को अपने लक्ष्यों से दूर करना, मैं यह दोषी नहीं बनना चाहता हूँ। कभी भी कुछ कार्य करे हमेशा यह सोचे कि इससे हमारा भविष्य क्या असर पड़ेगा, खुद से बातें करे कि क्या ये हमारे लक्ष्यों के लिए उपयोगिता है। आपके अंदर से यदि हाँ सुनाई दे तो आप एक अच्छे मार्ग में चल रहे, आप चलते रहिए, सफलता आपका राह देख रही है। चौथी बात यह कि आप जिस काम को भी करें, चाहे वह कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, आप प्रयास अभ्यास करते रहे, इससे आपका गुडविल निकल कर आएगा, आप में निखार आएगा, आप माहिर हो जाएंगे अपने फील्ड में। यदि कोई मेरे भाई मेरे बातों को समझ नहीं पा रहे हैं कि परिश्रम, धैर्य, प्रयास, अभ्यास का महत्व क्या है, उसे कैसे अपने जीवन में उतारे, मैं आप सभी को एक कहानी के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ उसका महत्व को। आप इस कहानी को ध्यान से सुने, आपके जीवन को बदल कर रख देगी यह कहानी। विशुनपुर के राजा हुआ करता था, उसका कोई संतान नहीं था। राजा बहुत प्रयास किया कि उसका कम से कम एक संतान हो जाए, चाहे वह पुत्र हो अथवा पुत्री हो, लेकिन राजा के लाख कोशिश करने के बावजूद उनका कोई संतान नहीं हो सका। राजा दुखी चिंतित रहने लगा। एक दिन सेनापति ने राजा से डरते डरते पूछ ही लिया, महाराज आपको क्या हुआ, आप इतने बड़े साम्राज्य के राजा होकर चिंतित हो, आपको किस चीज की कमी है भला। राजा ने सेनापति से कहा, मेरा कोई संतान नहीं है, मेरे जाने के बाद इस राज्य पाठ को कौन देखेगा, मेरे जनता का देखभाल कौन करेगा। सेनापति राजा की बातों को सुनकर राजा से कहा, महाराज आप अपने प्रजा से ही किन्हीं को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। राजा ने सेनापति की बातों को सुन के कहा, लेकिन एक योग्य बच्चे का चुनाव कैसे करे। सेनापति राज से कहा, महाराज आप इसकी चिंता मत करे, मेरे पास एक उपाय है। राजा ने सेनापति से कहा, तब तुम ये सूचना प्रजा में फैला दो कि राजा अपने उत्तराधिकारी का चुनाव अपने ही प्रजा के किसी एक के पुत्र को बनाएगा। ये बातें तेजी से फैल गया। एक दिन राजा ने सेनापति के द्वारा सभी बच्चों को एकत्रित किया और सभी को एक बांस का टोकरी दिया और कहा कि जाओ इसमें पानी भर के नदी से लाना। सभी बच्चों ने अपने अपने टोकरी ले और सभी बच्चे पानी लेने नदी के तरफ चल दिए। सभी बच्चों ने पानी भरने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही टोकरी को नदी से निकलता है सारा पानी फिर से नदी में जा गिरता है। इन घटनाओं को देखकर कई बच्चों ने एक दूसरे से बात करने लगा और कहने लगा, राजा पागल हो गया है, भला इस बांस की टोकरी में कैसे कोई व्यक्ति पानी भर के ले जाए, इसमें तो हजारों छिद्र है। एक बच्चे को छोड़कर सभी बच्चे राजा के यहाँ चला जाता है यह कहने की यह संभव नहीं है। जो एक लड़का वहाँ पर था वह निरंतर कोशिश कर रहा था, उसके मन में एक अलग ही तरह का विचार था। यह बालक बस यही सोच रहा था कि राजा ने ये टोकरी दिया अवश्य ही कुछ न कुछ बात है, इसमें पानी जरूर आएगा, इतने बड़े साम्राज्य का राजा होकर बस यूं ही नहीं दिया। लड़का टोकरी से पानी को नदी से उठाता फिर पानी गिर जाता है। इस तरह लड़का ने कई बार प्रयास किया, शाम होने को हो रहा था परंतु लड़का पानी भर नहीं पा रहा था। वह कोशिश करता चला गया। कुछ ही घंटों के बाद लड़के को थोड़ा परिवर्तन दिखाई दिया। परिवर्तन यह था कि कुछ पानी टोकरी में आ रहा था लड़का, और थोड़ी देर टोकरी को पानी में डूबता और फिर उठाता, बांस की टोकरी फूल कर छिद्र को बंद कर देता और वह लड़का टोकरी में नदी का पानी लेकर राजा के यहाँ पहुँच जाता है। राजा ने इस लड़के को सम्मानित किया
और उसे अपना उत्तराधिकार घोषित किया। उनके परिश्रम, धैर्य, प्रयास, अभ्यास को देखकर उनके साथ जो बच्चे गए थे उन लोग भी पछताने लगे, काश यदि मैं भी थोड़ी परिश्रम के साथ धैर्य रखता तो आज मैं भी राजा का उत्तराधिकारी हो सकता था। दोस्तों, आपको भी सफलता अवश्य एक दिन जरूर मिलेगी, बस आप निरंतर परिश्रम करें, प्रयास अभ्यास करें और अपने धैर्य को बना के रखें, ताकि जीवन में बाद में पछताना ना पड़े। यदि वीडियो अच्छा लगा हो क्षणिक भर भी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।